नमस्कार दोस्तों, बाबा टूल के चैनल में स्वागत है। मैं तरुण रोहतरा आज आपके सामने लेके आऊँ मल्टीमीटर की दुनिया। मल्टीमीटर तो बहुत तरह के आते हैं, पर हमारे पास बाबा टूल में कितनी वैरायटी है वो भी पता होना चाहिए। और कितनी तरह के मल्टीमीटर है मैं आज आपको बताता हूँ और दिखाता भी हूँ। आप एक 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 लुक देखिए, एक नज़र मारिए इन सब पर। आप यहाँ से देखते चलिए और काउंटिंग करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 24 तरह के मल्टीमीटर है हमारे पास, एनालॉग से लेके डिजिटल से लेके सबसे एडवांस तक। और सबसे बड़ी बात, बेसिक मॉडल से स्टार्ट होता है और ऊपर हाई एंड तक मॉडल है हमारे पास। जैसे आपको ये पता ही है, नॉर्मल मल्टीमीटर हर जगह मिल जाता है, तो इसके लिए तो बताने की जरूरत नहीं है। अब क्या मल्टीमीटर में नहीं आया, कौन सा ब्रांड की बात करते हैं? सनशाइन, सनशाइन के कितने मॉडल हैं मेरे पास, सारे मिलेंगे। 1 2 3 4। उसके बाद आप आ जाओ मैकेनिक, मैकेनिक के भी दो मॉडल मिलेंगे। यही मॉडल एक आता है वामटेक का, डिजिटल वाला, टच वाला, ये आपको सनशाइन ब्रांड में भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी है हमारे पास। इसके अलावा आप बाबा टूल्स में, आई टूल्स में, और एक ये नया मल्टीमीटर है जो चार्ज हो जाता है, चार्जेबल भी है और फुली ऑटो होता है। इसको सारे फीचर्स यहीं से चल जाते हैं, आप देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ। ये चार्ज भी हो जाता है और आपको कुछ भी चाहिए यहाँ से, बिल्कुल फुली ऑटोमेटिक मल्टीमीटर है ये। इसके अलावा और मल्टीमीटर में क्या आया नया, क्या टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पर आप लोगों, मोस्टली मल्टीमीटर आप लोगों ने सबने देखे हुए किस तरह के आते हैं, वो सब आपको पता भी होगा। बट फिर भी मैं आपको एक और मल्टीमीटर दिखाता हूँ, जो लोग जिनका इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग से रिलेटेड है, वो मल्टीमीटर को कैसे पीसी में चलाएंगे, उसके लिए भी हमारे पास है। केबल भी आती है इसके साथ और ये सिस्टम में भी चलता है। विक्टर का ये मॉडल आता है 86B, आप अमेजोन पर सर्च कर सकते हैं। केबल आएगी इसके साथ जो कनेक्ट करती है आपके पीसी को इससे, और ये ऐसी विंडो खोलती है। फिर अब एक बहुत अच्छा ब्रांड चल रहा है आज के दिन, बहुत लोगों ने इस ब्रांड का मीटर यूज भी किया, सबको पता भी है इसकी क्वालिटी। इन्होंने एक नया मल्टीमीटर लॉन्च किया, ये रहा, ये बिल्कुल स्लीक सा है, कोई बटन नहीं है, कैसे चलेगा ये? ब्लूटूथ मल्टीमीटर है, ब्लूटूथ। इसकी खास बात क्या है, आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें ना ऐप डाउनलोड है, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं हम। आप ये देखिए, मैंने ऐप डाउनलोड करी। दूसरी बात, अगर हम जो फ्रिक्वेंसी वगैरह कोई भी यूज़ करते हैं, इसके अंदर सेव हो जाती है फाइल, आपने कुछ भी फाइल काम करा वो सेव हो जाता है यहाँ पर। ये फाइल का नाम मांगेगा सेव, और ये यहीं से चल जाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ रूम टेम्परेचर, ये देखिए आ गया, और यहाँ भी देखिए, यहाँ भी चेंज होगा साथ के साथ, 25 आया, ये देखिए। अब मैं चला गया बजर मोड पर, अब आपको बजर मोड ये देखिए, आपको कुछ भी करना है आप। अब फिर दोबारा जाना चाहते हैं, रूम टेम्परेचर देखना चाहते हैं, फिर आ गया रूम टेम्परेचर, आप ऑटो कर दीजिए, एनसीवी, जितने भी फीचर है सब है इसके अंदर। ये बैक, ये रीसेट डाटा, अगर कोई डाटा जो भी हम काम करते हैं वो सेव हो जाता है, फाइल कुछ भी हम चाहते हैं सेव हो जाता है, सेव हो जाएगा। आप देखते हैं सारे फीचर मल्टीमीटर के आपके मोबाइल में आ जाते हैं। ये बिल्कुल ब्लूटूथ वाला मॉडल लेटेस्ट है, कहीं नहीं मिलेगा, ये भी आपको मिलेगा। आपने कहा ये भी पीसी पे चलेगा, कॉम्पोर्ट बनाएगा कनेक्ट होके, ये भी आपको मिलेगा। जो भी मल्टीमीटर में जितनी भी वैरायटी आती है ना, छोटे से लेके बड़ा, सब आपको मेरी वेबसाइट पर मिलेगा, हर चीज मल्टीमीटर्स में। इस ब्रांड के तीन मॉडल आते हैं, तीनों मेरे पास हैं इस वक्त, ये रे तीनों मेरे पास हैं। सब जानते हैं इस ब्रांड को, इसकी क्वालिटी को, कहने का मतलब कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है जो मेरे पास नहीं होगा मल्टीमीटर में। और इतनी बड़ी रेंज है, स्टॉक भी है, हर चीज़ है, आपको जब चाहिए हो तब मिलेगा। आप जिस टाइम मर्जी ऑर्डर करें ऑनलाइन आपको मिलेगा, मेरी ऐप फ़ोन में नहीं, आप ऐप डाउनलोड करें, आपके पास वेबसाइट के थ्रू, गूगल ऐप में जाए, गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे गूगल से डाउनलोड करें, एप्पल के पे जाएंगे तो एप्पल से भी डाउनलोड होगी, आपको सारे प्रोडक्ट मिलेंगे ऑनलाइन। और ऐसे ही मैं आपको रेंज दिखाता रहूँगा, क्या क्या चूल रहा टूल में,
जैसे ही मल्टीमीटर में कोई नई चीज आई ना, मैं फटाफट आपके पास आ गया शेयर करने, कि मुझसे रुका नहीं गया। बहुत लोगों को दिक्कत आती थी कि जैसे आईसी ट्रेसिंग करते हैं कोई चीज, ट्रेसिंग की रीडिंग क्या क्या थी बताने के लिए सेव हो जाती है, और अपने टीचर से मेंटोर से आप शेयर कर सकते हो कि ये रीडिंग थी। अगर हम पढ़ाते हैं हमें बताना क्या क्या डाटा है सेव किया, ये ऐसे ऐसे रीडिंग आनी चाहिए, फाइल सेंड कर दी, कितना आसान हो गया है कम्युनिकेशन करना, पढ़ाना, एक एक रीडिंग को याद करना, पेन से लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ डिजिटल हो चुका है। अब मल्टीमीटर भी डिजिटल तो थे ही, बट विद ब्लूटूथ आ गया है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए। हमने अपनी अर्निंग बढ़ानी है तो हमारी लर्निंग भी अच्छी होनी चाहिए, तो एल हटा देते हैं ना लर्निंग में से तो अर्निंग बढ़ जाती है, तो अर्निंग और लर्निंग दोनों ना साथ चलते हैं। तो अर्निंग अच्छी करनी है तो लर्निंग भी होनी चाहिए। आप लर्निंग करनी है तो आपके पास हमारा एक इंस्टीट्यूट भी है BRT दिल्ली के अंदर, आप EMMC की ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, आईफोन की ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। एक बैच 12 तारीख को शुरू हो रहा है, एक नेक्स्ट मैच हमारा 3 जनवरी को आईफोन के लिए भी स्टार्ट हो रहा है, एंड्रॉयड के लिए भी हो रहा है स्टार्ट। आप किसी भी बैच में आ सकते हैं, आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी एक ही छत के नीचे। हमारे पास टूल्स भी, रिपेयरिंग से रिलेटेड इक्विपमेंट्स भी, ट्रेनिंग भी। मैं चाहता हूँ आपकी अर्निंग बढ़े, उससे पहले लर्निंग चाहिए। लर्निंग का एल हटेगा, अर्निंग अपने आप बढ़ जाएगी। ओके, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना।